वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर मिस्टर एस के सर को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आके कुछ बोले। ओके थैंक यू। ओके दिस इज ज्योति और आज ये बताने वाली है जीरो लेवल का बेसिक मैप के बारे में, नक्शा के बारे में बताएगी, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से बताएगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के यहाँ पे नॉर्थ है ऊपर में, नीचे में क्या है साउथ, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। इसे हम चार भागों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया अर्थ पे कहाँ है तो आप उसको फिगर बना के बताने नहीं जाइएगा, आप उसको बोलिएगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, तो आप बोल सकते हैं इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। अब आते हैं इंडिया के मैप पर। तो जैसा मैंने बताया ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में है यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट हो गया। तो इंडिया का जो लंबाई है ना वो कितना है, 32,014 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 29,033 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर में इसके नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर है, इसके साउथ में है तमिलनाडु, इसके ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, और इसके वेस्ट में है गुजरात। इंडिया के बीच से एक लाइन गुजरती है, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाला साउथ इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के नेबरिंग कंट्री की, ठीक है, तो वो कितने हैं, 7 हैं। देखते हैं कौन कौन। यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे है अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना है, ये हो गया नेपाल, और यहाँ पे है भूटान। यहाँ पे है बांग्लादेश। और यहाँ पे ये हो गया म्यांमार। समझ में आया, कट करो।